and go, "Hi everyone, and welcome back to Being Romers." I hope everyone is doing good. So we are finally back from 12 days Bali trip, guys. It was so exciting and fun. बहुत ही amazing था और I'm sure कि आप लोग भी excited होंगे हमारे Bali vlogs के लिए क्योंकि हम ढेर सारी information आपके लिए लेकर आने वाले हैं. तो सबसे पहले दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दुबई के वीडियो में ढेर सारा प्यार देने के लिए. इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है जो हमने बनाया था वीडियो दुबई की आइटनरी के बारे में और कैसे प्लान करें अपना दुबई ट्रिप 60,000 रुपीज में. तो आपका बहुत बहुत थैंक यू. और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं दुबई जाए तो रहे कहाँ और एंड आपका अगर बजट हो ना हो तो कहाँ रहना है और क्या क्या करना है. तो ये वीडियो गाइज हमने सॉर्ट किया है फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रैवलर्स, चाहे वो बजट ट्रैवलर हो, चाहे वो मीडियम स्पेंडर हो या फिर फैंसी एंड लग्जरी टाइप ऑफ ट्रैवलर हो. मतलब सबके लिए हम लोगों ने वीडियो बनाया है कि आप कौन से एरिया में जाए और उस एरिया में आपके पास क्या कुछ खाने को है और उस एरिया से नजदीक में क्या कुछ घूमने को है. तो एवरीथिंग इज कवर्ड गाइज. और गाइज हमने इस वीडियो में वो सब होटल्स के बारे में भी डिस्कस किया है जहाँ पे हम रुके थे. वो सारे होटल्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है अगर आपको बुक करना है, अगर आपको होटल अच्छा लगा. तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है. तो 1 2 3 गो. तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को हमने 3 कैटेगरी ऑफ ट्रैवलर्स के लिए बनाया है. पहले कैटेगरी में बजट या फिर सोलो ट्रैवलर्स आते हैं, दूसरे कैटेगरी में आते हैं कपल्स एंड तीसरे कैटेगरी में आते हैं ग्रुप या फिर फैमिलीज. तो सबसे पहले तो ये बता दूं होटल्स बुक करने की सबसे बेस्ट साइट है agoda.com, booking.com, skyscanner, goibibo, make my trip and so on. We always prefer agoda या फिर skyscanner. तो गाइस अगर आप होटल्स बुक कर रहे हो दुबई की, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप और हैक यू कैन से दैट वी आर गोइंग टू गिव यू, दैट इज ऑलवेज चूज अ होटल नियर द मेट्रो स्टेशन. क्योंकि दुबई में ट्रांसपोर्टेशन इज क्वाइट कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव, सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें एंड मेट्रो इज द बेस्ट ऑप्शन. जब भी आप होटल सिलेक्ट कर रहे हो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपका होटल जो है मेट्रो के आसपास होना चाहिए, मेट्रो स्टेशन के 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हो. बट आप सोचो कि अगर आपका होटल मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूर हो एंड वहां तक पहुंचने के लिए आपको कैब की जरूरत हो तो क्या ही फायदा है ना. ऑल्सो सेकेंड थिंग इज कि अगर आपका होटल सुपरमार्केट के पास हो तो दैट्स वेल एंड गुड. सुपरमार्केट्स की दुबई में कोई कमी नहीं है, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपका होटल अगर सुपरमार्केट के पास हो तो आपका जब भी मन चाहे वहां से आप फूड आइटम्स या वाटर बॉटल स्टॉक कर सकते हो. एक और इम्पोर्टेंट हैक ये है कि अगर आप अगोड़ा से बुक कर रहे हो होटल तो आपको ऐसे इतना किलोमीटर फ्रॉम सिटी सेंटर दिखाएगा, बट दैट रियली डजंट मैटर इन दुबई होटल्स बिकॉज यहाँ पे सारे जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है एक दूसरे से काफी दूर है एंड पूरे सिटी में स्कैटर हो रखे हैं. सो ये तो हो गई हैक्स की बातें, बट आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका होटल जो है वो मेट्रो स्टेशन के पास है या नहीं. इसका भी एक छोटा सा हैक है. अगर आप होटल्स बुक करते हो फ्रॉम साइट्स लाइक अगोड़ा या मेक माई ट्रिप, आप कोई भी होटल चूज कर लो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड बजट, देन गो टू द मैप ऑफ इट. देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड व्यू ऑन मैप, सो जस्ट क्लिक इट एंड जूम इट. आपको दिखेगा कि आपका होटल जो है यूनियन मेट्रो स्टेशन के 1.8 किलोमीटर की दूरी पर है. सो एज आई सेड अर्लियर कि आपका होटल जो है 2 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए सो दैट आप वॉकिंग डिस्टेंस से आप मेट्रो स्टेशन जा सको एंड या दैट्स हाउ यू कैन बुक योर होटल. वेल हमने इस वीडियो में आगे मेजर लोकेशंस की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशंस भी मेंशन की है, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. नाउ लेट्स डिस्कस दोज मेजर लोकेशंस अकॉर्डिंग टू अ ट्रैवलर्स प्रेफरेंस एंड बजट. पहले कैटेगरी के जो ट्रैवलर्स हैं दैट आर बजट ट्रैवलर्स और सोलो ट्रैवलर्स मस्ट चूज लोकेशंस लाइक डेरा एंड बर दुबई, विच इज ऑल्सो द सिटी सेंटर ऑफ दुबई. ये एरिया बहुत ही ओल्ड है, दैट इज वाई दिस इज द सिटी सेंटर ऑफ दुबई, बिकॉज जब दुबई डेवलप भी नहीं हुआ था ये एरिया तब से एग्जिस्ट करता है. पहले बात करते हैं डेरा एरिया की. डेरा एरिया जो है वो काफी नजदीक एंड नियर है एयरपोर्ट, दैट इज DXB एयरपोर्ट या दुबई एयरपोर्ट के काफी पास है. एंड यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज अबू बेकर अल सिद्दीकी मेट्रो स्टेशन. ये एरिया काफी अच्छा है एंड पॉश है और आपको यहाँ पे चीप, बजट एंड एक्सपेंसिव होटल्स मिल जाएंगे. अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो या फिर एक बजट ट्रैवलर हो
तो यहाँ पे आपको हॉस्टल्स 800 या फिर 1000 रुपीज से भी मिल जाएंगे। एंड याद रहे, बाय हॉस्टल्स वी मीन बंक बेड्स। डेरा से बुर्ज खलीफा तक जाने के लिए अगर आप मेट्रो लेते हो तो इट विल टेक 51 मिनट्स, एंड अगर आप बाय टैक्सी जाते हो इट विल टेक अराउंड 26 मिनट्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि डेरा से बुर्ज खलीफा, दैट इज इन डाउन टाउन, उस एरिया की हम आगे वीडियो में बात करेंगे, कितने दूर है आप अंदाजा लगा सकते हो। हमने भी डे वन पे जब हमने लैंड किया था एंड हम लोग पहुंचे थे रात में करीब 8 बजे, हमने अपना होटल डेरा में ही बुक किया था इन अ होटल कॉल्ड अवनी होटल। इट्स अ चेन ऑफ होटल्स, यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, एंड इट्स अ 5-स्टार होटल बट इन अ अफोर्डेबल प्राइस। वी गॉट इट फॉर अराउंड 4000, एंड उसमें काफी अच्छी बेसिक नीड्स थी, स्विमिंग पूल भी था, विच इज एन अमेजिंग थिंग। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अब डेरा के नियरेस्ट अट्रैक्शंस के बारे में और साथ साथ वहां पे खाने पीने के ऑप्शन के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है, डेरा एक काफी फेमस लोकेशन है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग वहां पे रहते हैं, तो आपको ढेर सारे खाने पीने के ऑप्शन तो मिलते ही मिलते हैं। बट सबसे पहले हम बात करेंगे वहाँ के नियरेस्ट अट्रैक्शंस के बारे में। तो डेरा से जो नियरेस्ट अट्रैक्शंस हैं उसमें सबसे पहले आता है डेरा क्लॉक टावर, उसके अलावा दुबई गोल्ड सोक और दुबई स्पाइस सोक, वाटर टैक्सी जिसको आबरा भी कहते हैं। तो अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं, अगर आपको पसंद है सोने की खरीदारी करना, या फिर आपको स्पाइस मार्केट घूमने का मन है, अगर कुछ आपको खरीदना है तो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। आप वहाँ पर जाके ढेर सारे शॉपिंग कर सकते हैं और आबरा में राइड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाने पीने के ऑप्शन के बारे में। जैसा कि आपको बताया हमने कि यहाँ पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको इंडियन खाने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि अन्नपूर्णा साउथ खाने के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे हमने साउथ इंडियन खाना खाया था लाइक इडली डोसा, और ये हमारे होटल अवनी से काफ़ी पास था, इट वॉज लाइक अ वॉकिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट ईटरी ऑप्शन इज लाइक जाफर भाई, गजीबो, इंडियन पैलेस, बॉम्बे चौपाटी, रसोई, मोहम्मद फैसल और एब्सोल्यूट बारबेक्यू। आप यहां पे जाके अपना खाना एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट लोकेशन इज बर दुबई। ये लोकेशंस काफी इंडियंस प्रेफर करते हैं एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियंस मिल जाएंगे। बर दुबई से सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है बुर्जुमन मेट्रो स्टेशन, विच इज अराउंड 10-12 मिनट्स बाय वॉक, विच इज 1.5 किलोमीटर। यहाँ पे आपको सबसे लोएस्ट हॉस्टल जो मिलेगा 800 रुपए में, विथ ऑल द बेसिक नीड्स लाइक आपको एयर कंडीशन रूम होगा, बंक बेड मिल जाएगा, एक लॉकर मिल जाएगा, वॉशिंग मशीन एंड लॉन्ड्री भी मिल जाएगी। हमने अपना दुबई ट्रिप के लास्ट 2 दिन बर दुबई के वेस्ट जोन अपार्टमेंट में बिताया था। अपार्टमेंट काफी स्पेशियस था विथ ऑल द बेसिक नीड्स लाइक अ बिग बाथरूम विथ बिग बाथटब, अ वॉशिंग मशीन, अ किचन एंड अ बैल्कनी विथ अ बुर्ज खलीफा एंड दुबई फ्रेम व्यू, विच वॉज अमेजिंग। And it costed us around 5000 rupees. The point was, हमारा जो वेस्ट जोन अपार्टमेंट था वो मेट्रो स्टेशन के जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारे होटल के नीचे सुपर मार्केट था एंड हमारे होटल के बगल में भी काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे, सो दैट वॉज ऑल द की पॉइंट्स ऑफ दिस होटल। बट आपको 2000-3000 में काफी अच्छे अपार्टमेंट एंड होटल इस एरिया में मिल जाएंगे। जस्ट सेट योर बजट एंड लोकेशन ऑन अगोडा एंड यू आर ऑल सेट। तो दोस्तों अब बात करते हैं बर दुबई के पास नियरेस्ट अट्रैक्शंस क्या क्या हैं और वहां पे ईटरीज के ऑप्शन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नियरेस्ट अट्रैक्शन की, तो सबसे पहले आप प्लान कर सकते हो दुबई फ्रेम जाने के लिए। हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि दुबई फ्रेम आप शाम में जाएं, क्योंकि शाम में वहां से नज़ारा अद्भुत होता है, आप कमाल का सनसेट एंजॉय कर सकते हो और साथ में आपके सामने झिलमिलाता हुआ बुर्ज खलीफा का एक शानदार व्यू दिखेगा। इसके बाद बारी आती है दुबई क्रीक की। तो दुबई क्रीक बेसिकली एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप जाके बोटिंग एंजॉय कर सकते हो। हम दुबई क्रीक शाम में गए थे और वहाँ पे सनसेट के साथ हमने कमाल का बोटिंग एंजॉय किया था। अगली अट्रैक्शन की बारी है जिसका नाम है मीना बाजार। तो दोस्तों मीना बाजार का नाम तो सबने सुना होगा। वेल, ये दिल्ली का मीना बाजार नहीं है, ये दुबई का मीना बाजार है जहाँ पे काफ़ी सस्ती शॉपिंग होती है। तो अगर आप शॉपिंग फ्रीक हो, अगर आपको गोल्ड का शौक है, अगर आपको ढेर सारे कपड़ों का शौक है, तो मीना बाजार इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। वहाँ पे आप जाके दिल खोल के शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज दुबई डॉल्फिनेरियम, यहाँ पे आप जाके डॉल्फिन शो एंजॉय कर सकते हो। तो ये थे बर दुबई के नियरेस्ट अट्रैक्शन पॉइंट। अब हम बात करते हैं बर दुबई से बुर्ज खलीफा के डिस्टेंस के बारे में। तो दोस्तों बुर्ज खलीफा के डिस्टेंस जो है बर दुबई से है वो 6.5 किलोमीटर
टैक्सी से जाने में आपको लगेगा 10 मिनट और अगर आप मेट्रो से जाते हो तो 40 से 50 मिनट। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो चूज मेट्रो, और अगर आपके पास पैसे हैं और टाइम बचाना है देन डेफिनेटली यू शुड चूज टैक्सी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईटरी ऑप्शंस इन बर दुबई। तो दोस्तों, डेरा की तरह भी यहाँ पे आपको ढेर सारे इंडियन खाने और कॉन्टिनेंटल खाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है एबीज, जहाँ हमने खाया था। बीइंग अ बारबेक्यू फैन, हम लोग यहाँ पे गए थे और बहुत सारा हमने खाना एंजॉय करा था। इसके अलावा आपको ट्राई करना चाहिए रंगोली, जो कि फेमस है ऑथेंटिक इंडियन कुजीन के लिए। और यहाँ पे एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि अवार्ड विनिंग भी है दोस्तों, और उसका नाम है एंटीक बाजार रेस्टोरेंट। इसके अलावा करी हाउस है, जो बेस्ट एम्बियंस के लिए फेमस है, और यू हैव गॉट बावर्ची और दावत। तो दोस्तों, अलबरसा में खाने का कॉस्ट आपको पड़ जाएगा दो लोगों के लिए अराउंड 180। नेक्स्ट कैटेगरी के लोगों के लिए आते हैं जो कि मीडियम स्पेंडर हैं एंड थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं फ्रॉम अ बजट ट्रैवलर। दैट लोकेशन इज अलबरसा। अलबरसा में आपको हॉस्टल्स के ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको होटल स्टार्ट होंगे फ्रॉम 3000 या 4000 से। हमने अपने दुबई ट्रिप के 4 दिन अलबरसा के सिटी मैक्स होटल में स्टे किया था। The hotel was very nice, the food was nice, the ambience was nice and it had a swimming pool also which had the Burj Khalifa view which was amazing. And City Max Alborsha ke hotel mein rehne ka sabse bada fayda ye tha ki wahan hamare hotel se jo metro station tha it was just 1 minute walking distance. Hotel ke aas paas bahut sare eateries se and restaurants se you can find Asian cuisine, Chinese cuisine, साउथ इंडियन क्यूजीन एंड लिटरली हमने चारों दिन बाहर खाया था एंड डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई किए थे। तो बहुत सारे होटल के ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ पे एक मॉल भी है दैट इज़ मॉल ऑफ एमिरेट्स एंड उसी के अंदर से मेट्रो स्टेशन भी जाता है। सो ऑल इन ऑल सिटी मैक्स वॉज अ ग्रेट ऑप्शन। एट दैट टाइम वी पेड अराउंड 5000 बट नाउ एज आई सॉ इट इज़ शोइंग समवेयर अराउंड 9000 विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव वी नो दैट। You can choose from variety of hotels ranging from 4 to 5,000 or 6,000 if you have a budget and have the same kind of amenities and advantages. तो दोस्तों, अब बात करते हैं अलबरसा के nearest attractions के बारे में। तो अलबरसा के सबसे नजदीक attractions की list में जो आता है वो है Mall of Emirates, जहाँ पे आप shopping या skiing कर सकते हो। Miracle Garden, जहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ से आप बीचेस जा सकते हो जैसे कि जुमेरा, और यहाँ से आप जा सकते हो वर्ल्ड का इकलौता 7-स्टार होटल जिसका नाम है बुर्ज अल अरब। और यहाँ से पास में अट्रैक्शन जो है वो है यास वर्ल्ड, जो कि एक वाटर एडवेंचर पार्क है, और मदीनत जा सकते हो जहाँ पे आप शॉपिंग या अपनी शाम इंजॉय कर सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ईटरी ऑप्शंस इन अलबरसा। तो अलबरसा में भी आपको ढेर सारे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाते हैं खाने के। आप जा सकते हो वहाँ पे बारबेक्यू, फ्रीडम पिज्ज़ा, बीजिंग चाइना, घराना और बीकानेर वाला भी वहाँ मिलता है दोस्तों। तो आप वहाँ जाके अपने खाने इंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे आपके खाने का कॉस्ट पड़ जाएगा 120 AED दो लोगों के लिए। नेक्स्ट लोकेशन की बात करते हैं विच इज दुबई मरीना एंड JVR। सो द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन फॉर मरीना एरिया इज DMCC मेट्रो स्टेशन। ये एरिया थोड़ा एक्सपेंसिव है बिकॉज इट इज अ वेरी हैपनिंग एरिया एंड यहाँ पे आपको बीचेस, कैफेज, पार्टी क्लब्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1300 टू 1500 रुपीज एंड कैन गो अप टू 7000 रुपीज। अगर आप एक हनीमूनर हो एंड आपके पास बजट है देन दिस इज द परफेक्ट एरिया फॉर यू बिकॉज दिस एरिया इज क्वाइट हैपनिंग एंड अगर आप एक सी व्यू रूम ले लोगे देन इट वुड बी अमेजिंग। एंड अगर आप एक ग्रुप में हैं एंड आपके ग्रुप में लगभग 5 से 6 लोग हैं सो यू कैन रेंट एन एंटायर अपार्टमेंट फॉर 20,000 रुपीज विथ सी व्यू। तो आपका कॉस्ट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा सो इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। ऑल्सो यू विल बी एबल टू टेस्ट सम लग्जरी ऑफ दुबई बिकॉज वाई नॉट, दुबई आए और लग्जरी थोड़ी टेस्ट नहीं की तो क्या फिर दुबई आए, है ना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दुबई मरीना और JVR के नियरेस्ट अट्रैक्शंस और खाने पीने के ऑप्शंस के बारे में। तो दुबई मरीना एक काफी फेमस जगह है दोस्तों, जहां से आपको काफी पॉपुलर अट्रैक्शंस मिलेंगे। तो दुबई मरीना के अट्रैक्शंस में आता है मरीना, एक्स लाइन, जिप लाइन, मरीना मॉल, JVR बीच, एक्वा फन वाटर पार्क, जीरो ग्रेविटी, स्पीड बोट टूर एट मरीना और ढेर सारे ऑप्शंस। यहाँ पे करने को इतना कुछ है कि आपका पूरा दिन निकल जाएगा। इवन आप JVR बीच पे जाके ढेर सारी वाटर एक्टिविटीज इंजॉय कर सकते हो और सामने बड़ी बड़ी स्काई लाइन का लुत्फ उठा सकते हो। अगर हम ईटरी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो आपको JVR बीच के किनारे लाइन से लगे हुए ढेर सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जो कि सर्व करते हैं कॉन्टिनेंटल, इंडियन और
वहां का लोकल खाना, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों हमने भी वहां पे एंजॉय करा था हमारा अरेबिक ब्रेकफास्ट आइन दुबई व्यू के साथ, तो जो काफी मजेदार था। बट यहाँ पे खाना थोड़ा आपको एक्सपेंसिव साइड मिलेगा, ऑन एक्सपेंसिव साइड, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 150 एईडी टू 200 एईडी। Now let's talk about our last location, that is downtown, जहाँ पे बुर्ज खलीफा है। और ये location उन लोगों के लिए है who can go all out on their budget। इस एरिया में काफी सारे iconic landmarks, world class shopping, बुर्ज खलीफा, high class buildings, beautiful promenades है, which makes a downtown Dubai a must visit for every visitor। And that is the reason this area is quite expensive। इस एरिया में आपको अनफॉर्चुनेटली कोई हॉस्टल का ऑप्शन तो नहीं मिलता है, बट आपको 3-4-5 स्टार के अनबिलीवेबल होटल्स मिल जाएंगे विद इनक्रेडिबल व्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 8-10,000 रुपीज। एंड डाउनटाउन का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो, दिस एरिया माइट सीम अ डिस्टेंट ड्रीम टू यू, बट डोंट यू वरी। अगर आप 5-6 दिन के लिए दुबई आ रहे हो और 5 दिन अगर आप हॉस्टल्स में रुक रहे हो, तो एक दिन आप निकाल के अपने बजट से डाउनटाउन में रुक सकते हो टू टेस्ट द स्लाइस ऑफ लग्जरी। और अगर आप होटल्स नहीं, किसी अपार्टमेंट या किसी और के घर पे रुकना चाहते हो, देन एयरबीएनबी इज अ गुड चॉइस। अपना क्राइटेरिया सेट करो, लाइक लोकेशन, प्राइस, डेट, हाउ मेनी एडल्ट्स आर ट्रैवलिंग, एंड यू आर ऑल सेट। और हम बात करते हैं अब डाउनटाउन एरिया के नियरेस्ट अट्रैक्शंस और खाने पीने के ऑप्शंस के बारे में दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो, डाउनटाउन एरिया जो कि बुर्ज खलीफा के बिल्कुल पास है, और वहां से सारे पॉपुलर अट्रैक्शंस आपको नज़दीक में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला अट्रैक्शंस जो है वो है दुबई मॉल, उसके बाद आता है बुर्ज खलीफा एंड म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। तो यहां से आप आसानी से उनको ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि लोकल टैक्सीज और इवन बस या फिर मेट्रो से आप वहां पर जा सकते हो। अब बात करते हैं खाने पीने के ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे ढेर सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको मल्टी कुजीन ऑफर कर सकते हैं, और विथ अ नाइस व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा। एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप जाके अफ्रीकन खाना ट्राई कर सकते हो, उसका नाम है ट्राइब्स कार्निवोर, जो कि अफ्रीकन रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे आपको खाने का कॉस्ट मिनिमम 225 एईडी से 400 या 500 एईडी तक पड़ेगा। सो यार, दैट्स अबाउट दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। हम अपने सारे स्टेज की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अलॉन्ग विथ अदर वेबसाइट्स जहाँ से आप बुक कर सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो अपने होटल्स, लाइक Airbnb, agoda.com, booking.com, makemytrip एंड सो ऑन। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, स्प्रेड लव एंड बाय।